इस दुनिया में ऐसा कौन है जो पैसा कमाना नहीं चाहता। पैसा कमाने के लिए कोशिश जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी कुशलता बढ़ाएं, फिर उस कुशलता का उपयोग कर नौकरी या कारोबार शुरू करें। इसके बाद आप बचत और निवेश की राह पर बढ़ें। वित्तीय प्लानर का भी कहना है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए सपने देखना काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको सही दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। सपने जरूर देखें। सपने देखने का मतलब है इमेजिनेशन। यह आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप कुछ बड़ा काम करने के लिए सपने देखेंगे तो उसे पूरा करने के लिए जरूरी योग्यता हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। आपको इन सपनों को कैसे पूरा करना है, इस बारे में किसी कुशल व्यक्ति से दिशा निर्देश लेने की भी जरूरत पड़ती है। अपनी कुशलता की पहचान करें। आपको खुद के बारे में यह जानना होगा कि आप कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर आप मनमाफिक नतीजे पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में कुशलता है लेकिन उसे और निखारने की ज़रूरत है, तो आप उससे संबंधित प्रयास कर अपनी कुशलता को विकसित करिए। मसलन आपको लगता है कि आप बढ़िया खाना पका सकते हैं, तो अपनी इस कुशलता को निखारने के लिए आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर पेशेवर शेफ बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि जीवन में सफलता और पैसा कमाने के लिए दिमाग का सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है, कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं। आज आप जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हो या जिससे पैसा बनना चाहते हैं, उसके संघर्ष की कहानी पढ़िए। पैसे और शोहरत कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मशहूर निवेशक वॉरेन बफे हो या अमेजन के मालिक बेजोस या रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी, सपने देखने और जरूरी कुशलता हासिल करने के बाद हिची तोड़ मेहनत की वजह से ये असफलता के उस मुकाम पर खड़े हैं। आपके सपने, जरूरी कुशलता और कड़ी मेहनत मिलकर ही आपके स्वर्णिम भविष्य की राह तैयार करते हैं। दोस्तों, ये पैसा कमाने के तरीके हैं और सपने देखने से नहीं होगा। आपको उस सपने पे चलना होगा और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बुरी आदतों को छोड़ें। अगर आपको अपने बिजनेस को सफल बनाना है और ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको कर्ज के बारे में सोचने का अपना तरीका बदलना होगा। अगर आप उधार लिए पैसों से ज़्यादा पैसा नहीं पा रहे हैं, तो उसका ब्याज देना बेकार है। कर्ज लेने के बजाय आप ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 0% ब्याज दर पर ऑफर करते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी कमाई का 10% हिस्सा एमरजेंसी फंड के तौर पर रखना चाहिए। इससे ज़रूरत पड़ने पर आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा और आप कम परेशानी में रहेंगे। और ये ज़रूरी भी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कई सारी समस्याएं कम हो सकती हैं। मानसिक तौर पर जो परेशानी होती है वह आपको कम होगी और यही समय आपको अपने बिजनेस से सफलता दिलाने में सहयोग करेगा। अपनी नेटवर्क वैल्यू को जानिए। व्यापार में आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले खुद की नेटवर्थ वैल्यू, खुद की कीमत समझनी होगी। इसका सीधा संबंध आपकी कमाई से होता है। जितना आप खुद को कम समझोगे, उतना ही पैसा आप खुद पर व्यर्थ खर्च करेंगे। अपने हाथ साथ आपको अपने दोस्त परिवार की भी कीमत करनी होगी। इससे आपकी वर्थ और नेटवर्थ वैल्यू दोनों बढ़ेगी। आपको अपनी नेटवर्थ वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। पैसा बचाने पर नहीं, कमाने पर फोकस होना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि लोग पैसे को बचाने के बारे में कहते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको यह सोचने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि पैसा कैसे बचा, हाउ टू सेव मनी। इसके बजाय आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाए, किस तरह से आपकी इनकम बढ़ सकती है, बिजनेस पर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, कैसे किया जाए आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे। आपको यह सोचना चाहिए कि आपके पास जो संसाधन हैं और टैलेंट है, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं।
उनका पूरा इस्तेमाल सही तरह से करें। जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा कमाने पर ध्यान देकर आप अपना पैसा बचा सकते हैं। फिजूल खर्ची की आदतों पर रोक लगाएं। अपनी फिजूल खर्ची को कम करके आप अपने व्यापार को आसानी से बढ़ा कर सकते हैं। आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। अपनी फिजूल खर्ची की आदतों पर रोक लगाने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आप अपना पैसा कहाँ, किस जगह, किस लिए खर्च कर रहे हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ना हो, अगर किसी भी उसको खरीद लेते हैं तो यह आपके लिए फिजूल खर्ची से ज़्यादा और कुछ नहीं। यही पैसा अगर आपके बिजनेस में लगाते हैं तो परिणाम बदल सकते हैं। आप कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कहाँ से पैसा बचा रहे हैं, इससे आप नई आदत बनाएं जो आपके बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ाएगी। ज्ञान हमेशा जरूरी है। अपना अनुभव और अपना ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अपने बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियों को समझने के लिए आपको छोटे छोटे कोर्स भी करना चाहिए जो आपकी बिजनेस स्किल सुधारेगा। हर क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं। काम को आसान करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े हों, उस क्षेत्र में आए दिन परिवर्तन होता रहता है। आपको इसके बारे में हमेशा जानना चाहिए और सीखना चाहिए। अपनी स्किल्स को ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए शेयर करके भी पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसी चीज़ जानते हो जिसके बारे में जानने के लिए दूसरे लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएं। उससे इस आप अपने आप में बिजनेस के लिए पैसा भी कमा सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स को साइड इनकम भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। पार्ट टाइम वर्क, आपके बिजनेस के अलावा भी अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है या हॉबी है जो आप करना चाहते हैं, इससे आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। और हॉबी जिसे आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं उसे बिजनेस सपोर्ट में ले सकते हैं, जिसके जरिए आप पैसा भी कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और आपकी कमाई बढ़ेगी। अपने प्रोडक्ट पर सर्विस को बेहतर बनाएं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट है जिसका आप व्यवहार करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से बनाना जरूरी है। छोटी छोटी बारीकियों को समझना चाहिए। ग्राहक को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की दिशा में काम करना जरूरी है। वहीं अगर आप किसी प्रकार के सर्विस प्रोवाइजर हैं जो आपको ध्यान देना होगा कि आपकी सर्विस बेहतर हो, ग्राहक की पूरी तरह से संतुष्टि हो, जिसे आपके कस्टमर और निवेशक आपकी मेहनत को समझे और आप पर भरोसा करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा और आपका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा